काफी सारे ऐसे वीडियोस के अंदर मैं बताया हूँ कि वोटर आईडी को जो है दोस्तों पीवीसी कार्ड में कैसे आप ऑर्डर कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आधार कार्ड का पीवीसी कार्ड कैसे ऑर्डर करना है। अगर आपके आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड भी नहीं है, फिर भी आप आसानी के साथ पीवीसी कार्ड जो है दोस्तों आप आधार की वेबसाइट से कर सकते हो। क्या प्रोसेस है, आइए इस वीडियो के अंदर देखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे एम आधार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना आधार नंबर डालकर यहाँ पे लॉग इन कर लीजिएगा। जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। लेकिन जिन बंदों के आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, उनको कैसे पीवीसी कार्ड यहाँ पे ऑर्डर करना है वो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। पहले मैं बताता हूँ कि अगर आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो बंदा कैसे यहाँ से पीवीसी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद अपना एम पिन डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ऑर्डर पीवीसी कार्ड, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ टर्म एंड कंडीशन दिखाएगा। यहाँ पे बोला जाएगा कि ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड बाय पेइंग नॉर्मल फी जो कि 50 रुपीज होता है, इसमें इंक्लूडिंग जो है आपका जीएसटी और स्पीड पोस्ट दोनों होता है, ठीक है। और ये जो है रिप्रिंट करके 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जो है आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाता है। टर्म एंड कंडीशन के एक्सेप्ट करेंगे, ओके का ऑप्शन है, सिंपली इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन पूछेगा, पहला आई है आधार नंबर और एनरोलमेंट नंबर। आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी है आपके पास। आधार नंबर सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद से आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है, रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रजिस्टर मोबाइल नंबर डालने के बाद सिंपली रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालना है। डालने के बाद सिंपली वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, यू विल चार्ज 50 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी एंड स्पीड पोस्ट चार्जेस। यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन को जो है दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब पेयू के मदद से आप अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, पे बाय यूपीआई हो, वॉलेट से यूपीआई आपको सिलेक्ट कर लेना है। अपना यूपीआई नंबर यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद से प्रोसीड एंड पे के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। पेमेंट कंप्लीट जैसे दोस्तों होगा तो आपको कुछ समय आपको वेट करना है। इसके बाद यू विल रीडायरेक्ट टू एम आधार इन फ्यू सेकंड। और आपके सामने दोस्तों इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। एक तो आपको एसआरएन नंबर मिल जाएगा, ट्रांजेक्शन आईडी, अमाउंट जो है 50 रुपीज आपका पैड हो चुका है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है यहाँ से डाउनलोड करके आप इसका एसआरएन नंबर डालकर आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आपके आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है उसके लिए क्या करना है। उनको दोस्तों सबसे पहले अपने फोन के गूगल क्रोम के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आपको डालना है myadhar.uday.gov.in और यहाँ से आपको सर्च कर लेना है। आप इस वाले वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे, यहाँ पे करेंटली कुछ परफॉर्मेंस इशू चल रहा है तो आपको नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन देखेगा ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको आधार नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड। सिंपली इस पे टाइप करना है और जो भी मोबाइल नंबर आप डालना चाहते हो एड्रेस के लिए वो मोबाइल नंबर को जो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको डालना है। डालने के बाद सिंपली सेंड ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके जो भी मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालेंगे। ओटीपी दोस्तों यहाँ पे डालने के बाद टर्म एंड कंडीशन जो है यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके मेक पेमेंट पे दोस्तों जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। पेमेंट कंप्लीट करते हैं दोस्तों आपका यहाँ पे पीवीसी कार्ड जो है दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा। फ्रेंड इस तरीके से आप आसानी के साथ आप अपने आधार कार्ड का जो है दोस्तों पीवीसी कार्ड ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन। आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।